1978 में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के तत्कालीन चीफ स्टैंसफील्ड टर्नर ने कहा था कि रशियंस कैन किल अस इन स्पेस, मतलब ये कि रूस अमेरिका को अंतरिक्ष से ही तबाह कर सकता है। स्टैंसफील्ड टर्नर ने यह बात सोवियत संघ के काइनेटिक एंटी सैटेलाइट वेपन्स प्रोग्राम को लेकर कही थी, लेकिन 2022 में अमेरिका की यह आशंका सच साबित होती नजर आ रही है। रूस ने अपना एक मिलिट्री सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च किया। इस सैटेलाइट का नाम कॉस्मोस 2558 है। करीब 2 घंटे पहले रूस का यह सैटेलाइट अमेरिका के मिलिट्री सैटेलाइट USA-326 से 75 किलोमीटर की दूरी से गुजरा। 2 साल पहले 2020 में भी रूस के 2 सैटेलाइट अमेरिका के उपग्रह के 160 किलोमीटर के फासले से गुजरे थे। इसीलिए सवाल यह है कि इस बार अमेरिका रूस के सैटेलाइट से खौफजदा क्यों है। कॉस्मोस 2558 उपग्रह के पीछे अमेरिका को रूस की साजिश क्यों नजर आ रही है? सवाल यह भी है कि रूस और अमेरिका में स्पेस वॉर की बात क्यों की जा रही है? धरती पर बारूदी अदावत के बाद अमेरिका और रूस की रंजिश अंतरिक्ष को कैसे दहला सकती है, इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। ऑपरेशन लॉन्ग मार्च स्पेस वॉर का न्यू चैम्बर, रूस का अदृश्य हथियार अमेरिका में क्यों हाहाकार, पुतिन का इंस्पेक्टर सैटेलाइट ऑपरेशन US का रोड मैप। धरती का सीना चीरने वाले महाविनाशक बम, आसमान को कपा देने वाले फाइटर जेट्स, समंदर की गहराइयों में भूचाल ला देने वाली पनडुब्बियां, अमेरिका और रूस के पास तबाही का हर वो सामान मौजूद है जो धरती से मानवता का वजूद मिटा सकता है। इसलिए जिस वक्त रूस के मिसाइलों से यूरोप की दहलीज दहल रही है, जिस वक्त चीन की मिसाइलें ताइवान के आसमान को डरा रही है, तब अमेरिका और रूस में रंजिश के नए अध्याय का आगाज हो चुका है। खबर बेहद सनसनीखेज है और वो ये कि रूस और अमेरिका में स्पेस वॉर की शुरुआत हो सकती है। दोनों देश एक दूसरे के सैटेलाइट को निशाना बना सकते हैं। ये सिर्फ आशंका नहीं है, अमेरिका और रूस में अंतरिक्ष वाली अदावत का प्रमाण साक्षात है। इन तस्वीरों को देखिए जो उस वक्त की हैं जब रूस के सबसे नए सैटेलाइट ने अंतरिक्ष की ओर उड़ान भरी। 1 अगस्त को सोयूज 2.1B रॉकेट रूस के कॉस्मोस 2558 उपग्रह को लेकर अंतरिक्ष की तरफ उड़ा तो अमेरिका में हड़कंप मच गया। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका का दावा है कि कॉस्मोस 2558 जासूसी सैटेलाइट है जिसे रूस ने अमेरिकी सैटेलाइट USA-326 की जासूसी के लिए भेजा है। रूस ने भी कबूल किया है कि कॉस्मोस 2558 एक मिलिट्री सैटेलाइट है। रूस के सैटेलाइट लॉन्च करने के बाद से ही अमेरिकी खुफिया एजेंसियां अलर्ट हो चुकी हैं, क्योंकि कई अमेरिकी वैज्ञानिकों के मुताबिक कॉस्मोस 2558 पुतिन का इंस्पेक्टर सैटेलाइट हो सकता है जिसका इस्तेमाल अमेरिका के उपग्रह पर नजर रखने के लिए किया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि रूस अंतरिक्ष में अमेरिका की जासूसी क्यों करना चाहता है? दुनिया के अलग अलग देश अलग अलग वजह से अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजते हैं। इन सैटेलाइट के जरिए ही रेडियो, मोबाइल और टेलीविजन के सिग्नल भेजे और रिसीव किए जाते हैं। सैटेलाइट के जरिए जहां अपनी सरहद पर निगरानी रखी जा सकती है, वहीं अपनी सुरक्षा को भी सुनिश्चित किया जा सकता है। लेकिन रूस के सैटेलाइट का मकसद कुछ और है। क्या है ये मकसद, आइए जानते हैं। रूस और अमेरिका में स्पेस वॉर का इतिहास नया नहीं है। अंतरिक्ष पर कब्जे के लिए दोनों देश दशकों से दांव पेच आजमाते रहे हैं, लेकिन करीब साल भर पहले दोनों देशों में तनाव कैसे हद पार कर गया था, ऐसे समझिए।
1982 में सोवियत संघ ने कॉस्मोस 1408 नाम का एक जासूसी उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़ा। स्पेस में जाने के 2 साल बाद ये बेकार हो गया और तब से ये अपनी कक्षा में लगातार घूम रहा था। नवंबर 2021 में रूस ने एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल लॉन्च कर इसे नष्ट कर दिया। इसके करीब 1500 टुकड़े अंतरिक्ष में फैल गए, जिसके बाद अमेरिका ने रूस को अल्टीमेटम दे दिया, क्योंकि सैटेलाइट के टुकड़े किसी सैटेलाइट से टकरा सकते थे और स्पेस में बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन रूस ने एक बार फिर एलानिया जासूसी सैटेलाइट भेजकर अमेरिका को चुनौती दे दी है। इतना ही नहीं, रूस ने पुतिन के स्पेस जासूस को अमेरिकी सैटेलाइट के करीब पहुंचा दिया है। इसीलिए अमेरिका को डर है कि रूस स्पेस में अमेरिकी उपग्रहों से मिलने वाले डेटा को हैक कर सकता है, अमेरिका के खिलाफ काउंटर स्पेस तकनीक डेवलप कर सकता है। यही वजह है कि अंतरिक्ष में पुतिन के जासूस से अमेरिका में हड़कंप है, क्योंकि ये सैटेलाइट अमूमन लो अर्थ ऑर्बिट में मौजूद होते हैं। लो अर्थ ऑर्बिट यानी पृथ्वी की सबसे निचली कक्षा। इसे ऐसे समझिए कि पृथ्वी से 100 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर के बीच की ऊंचाई का एरिया है। जब इस इलाके में किसी सैटेलाइट को स्थापित किया जाता है तो उसे लो अर्थ ऑर्बिट एरिया कहा जाता है। लो अर्थ ऑर्बिट एरिया में वो सैटेलाइट होते हैं जिनका इस्तेमाल कम्युनिकेशन से लेकर इंटरनेट, मौसम पूर्वानुमान और नेविगेशन के लिए किया जाता है। लेकिन जंग के दौरान इन सैटेलाइट से मिलने वाली इन्फॉर्मेशन कैसे बाजी पलट सकती है, इसे रूस और यूक्रेन की जंग से समझा जा सकता है। 14 अप्रैल 2022 ब्लैक सी, यही तारीख थी जब यूक्रेन पर रूस के हमलों के बीच एक सनसनीखेज तस्वीर सामने आई थी, जब रूस के सबसे बड़े जंगी जहाज मोस्क्वा को लेकर चौंकाने वाली खबर सामने आई थी। रूस का सबसे बड़ा युद्धपोत मोस्क्वा ब्लैक सी में तैनात था। 14 अप्रैल को मोस्क्वा आग लगने के बाद समंदर में डूब गया। यूक्रेन ने दावा किया कि उसके नेपच्यून मिसाइल अटैक से जहाज डूबा, जबकि रूस का कहना था कि जहाज में आग लगने से हादसा हुआ। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं जब आग लगने और भीषण धमाकों के बाद पुतिन के सबसे बड़े जंगी जहाज ने जल समाधि ली थी, जिसे लेकर अब खुलासा हुआ है कि रूस के मोस्क्वा युद्धपोत को तबाह करने के पीछे अमेरिका के जासूसी सैटेलाइट का हाथ था। ये खुलासा अमेरिका ही नहीं, दुनिया के सबसे बड़े अखबार टाइम्स की तरफ से किया गया। रूस के युद्धपोत मोस्क्वा पर हमले के वक्त अमेरिका का जासूसी विमान P-8 पोसाइडन ब्लैक सी में गश्त कर रहा था। अमेरिका का ये जासूसी विमान स्पेस में सैटेलाइट से मिलने वाली इन्फॉर्मेशन से 100 मील दूर तक के जहाज की सटीक लोकेशन बता सकता है। P-8 पोसाइडन को रोमानिया के तट के करीब देखा गया था। अमेरिका के जासूसी सैटेलाइट से डेटा मिलने के बाद ही यूक्रेन ने 2 मिसाइलें दागकर रूस को सदी का सबसे बड़ा सदमा दे दिया। यूक्रेन की जंग जल थल नभी नहीं, अंतरिक्ष से भी लड़ी जा रही है। रूसी फौज के काफिले पर यूक्रेन जैसा अदना सबुल्क जिस तरह कहर ढा रहा है, उसमें दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क का भी बड़ा रोल है। एलन मस्क के सैटेलाइट से रूसी फौजी ठिकानों की सटीक लोकेशन मिलने के बाद से ही यूक्रेन टारगेटेड अटैक करता रहा है। रिपोर्ट में खुलासा यह भी हुआ है कि रूसी युद्धपोत मोस्क्वा को तबाह करने में एलन मस्क के सैटेलाइट स्टारलिंक्स की भी बराबर की हिस्सेदारी है। हमले के वक्त रूस का युद्धपोत मोस्क्वा यूक्रेन के ओडेसा तट पर गश्त लगा रहा था। चलते हुए जहाज पर निशाना लगाना आसान नहीं होता। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की मिसाइलों को एलन मस्क के सैटेलाइट स्टारलिंक से रूस के युद्धपोत के आगे बढ़ने का एक एक पल का डेटा मिल रहा था। यही वजह है कि दोनों मिसाइलें सटीक निशाने पर गिरी। अमेरिका की साजिश के खुलासे के बाद से ही रूस ने अंतरिक्ष में भी जंग का ऐलान कर दिया था। इसीलिए अमेरिकी सैटेलाइट के करीब अपना आसमानी जासूस तैनात कर पुतिन ने यूक्रेन की मदद करने वाले हर आसमानी जासूस की तबाही का प्लान तैयार कर लिया।
सवाल ये है कि अंतरिक्ष से रूस कैसे अमेरिका को हथियारों के मामले में निहत्था बना सकता है। रूस के मुताबिक कॉस्मोस 2558 मिलिट्री सैटेलाइट मिलिट्री सैटेलाइट्स के जरिए वॉरशिप्स फाइटर प्लेन्स और दूसरे एडवांस वेपन्स को डेटा और लोकेशन मिलती है। जंग के दौरान अगर रूस सैटेलाइट्स को नष्ट कर देता है तो फाइटर एयरक्राफ्ट्स और बैलिस्टिक मिसाइलें टेक ऑफ नहीं कर सकेंगी। अगर सीक्रेट सैटेलाइट पर अटैक होता है तो पूरा मिलिट्री सिस्टम कोलैप्स हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये इतना आसान है? जवाब है बिल्कुल नहीं। अमेरिका अपने स्पेस प्रोग्राम को लेकर हमेशा से चौकन्ना रहा है। अमेरिका ने तो बाकायदा स्पेस फोर्स तक बनाई हुई है। अमेरिका ने 2019 में स्पेस फोर्स का गठन किया था, जिसे हाल ही में गार्जियंस ऑफ गैलेक्सी नाम दिया गया। यूएस स्पेस फोर्स अमेरिकन आर्मी की ही एक ब्रांच है, जिसमें करीब 8,000 सैनिक हैं। इसके अलावा 77 एयरक्राफ्ट भी यूएस स्पेस फोर्स का हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि अमेरिकी स्पेस फोर्स के जवान अंतरिक्ष में ही तैनात होते हों, रहते ये जमीन पर ही हैं। लेकिन जिम्मा स्पेस में मौजूद अमेरिका के सैटेलाइट की हिफाजत का होता है। इसीलिए रूस के कॉस्मोस 2558 जासूसी सैटेलाइट के अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद से ही यूएस स्पेस फोर्स चौकन्नी हो चुकी है। तो धरती से हजारों किलोमीटर के फासले पर दो महाशक्तियों के आमने सामने होने से दुनिया आसमानी जंग की आशंका से खौफजदा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।